हरदोई के संडिला में महिला के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए चार शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना के बाद लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उनके पास से लूटे गए 1,00,000 के जेवर, 4,900 रुपए नगद बरामद किए। पुलिस ने इनके पास से लूटा गया मोबाइल और एक तमंचा भी बरामद किया है। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सांडिला क्षेत्र में एक महिला के साथ कुछ दिन पहले लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस लूट के खुलासे के लिए सांडिला पुलिस, सर्विलांस और स्वाट टीम को लगाया गया था। उन्होंने बताया कि खुलासे के लिए सांडिला पुलिस के साथ टीमें बस अड्डे पर मौजूद थीं। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले को सुलझा दिया। दिनांक 11/6 को थाना संडिला क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति से कैश और उसका फोन छीन के बदमाश भाग गए थे। वो व्यक्ति संडिला जा रहे थे तो उसके साथ ही घटना की गई थी। घटना के तुरंत बाद चेकिंग कराई गई और मुजरिमों का पता लगाने के लिए टीमों को लगाया गया। आज स्वाट टीम और संडिला की संयुक्त टीम के ऑपरेशन में चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। संवाद 360 के लिए हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट।